एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ अमेजिंग किचन टिप्स के साथ कुछ बढ़िया सी रेसिपीज भी लेके आई हूँ, जो आपका वक्त भी बचाएगा और आपका काम भी आसान करेगा। फ्रेंड्स, थोड़ी सी भी वीडियो अगर पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टिप नंबर 1 देख लेते हैं। तो ये बीटरूट को लेकर है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है, बीटरूट की कोई रेसिपी बताओ या कोई टिप बताओ जिससे हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कोई इसे खाना पसंद नहीं करता। तो आज एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो छोटों बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी। तो बीटरूट को आपको पानी के साथ इस तरह से पीस लेना है, उसकी प्यूरी बना लेनी है। अब मैं यहाँ ले लूँगी एक बोल, इसमें ले लूँगी 1 कप सूजी और यहाँ डालूँगी मैं 3 चम्मच के करीब गेहूं का आटा। सारी चीज़ें हेल्दी है फ्रेंड्स। साथ ही मैं डालूंगी नमक और 1/4 चम्मच में यहाँ डाल दूंगी काले मिर्च का पाउडर और दही ले लेंगे 1.5 चम्मच और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बीटरूट को जब आप प्यूरी बनाते हैं, आप चाहे तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं और मेक श्योर कि बिल्कुल भी इसमें टुकड़ा नहीं होना चाहिए बीटरूट का। और मैंने इसको छाना नहीं है, एज इट इज़ ले लिया है। छानते हैं तो फ्रेंड्स इसके सारे जो फाइबर होते हैं वो निकल जाते हैं, तो कभी छान के नहीं यूज़ करिएगा, ऐसे ही यूज़ करिएगा। इसमें पानी डाल के ले लूँगी थोड़ा सा। कलर देखिए इसका इतना बढ़िया आता है कि सभी लोगों को बहुत पसंद आता है ये नाश्ता, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से मिक्स करके रख दूंगी, इसको ढक लूँगी। सूजी है तो 10 से 15 मिनट इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद हम देखेंगे सूजी फूल चुकी है थोड़ी सी। अब चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेते हैं हम। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा फ्रेंड्स। अगर आपकी सूजी बहुत ज़्यादा मोटी है तो आप उसको भी पीस के ले लीजिएगा। तो इस तरह से आपको मिक्स करना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा फ्रेंड्स। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया है इसमें। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ डालूंगी फ्रेंड्स 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी मैंने यहाँ डाल दिया है बेकिंग सोडा। दोनों ही चीज़ बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाने के लिए चाहिए। और ये देखिए कंसिस्टेंसी चमचे के ऊपर से निकल नहीं रही है, इतना गाढ़ा होना चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, देख सकते हैं आप। चलिए मिक्स कर लिया है, फटाफट से बना लेते हैं। इंस्टेंट ये रेसिपी है फ्रेंड्स। पैन रख लिया है, बहुत कम तेल में रेसिपी बनती है, हेल्दी के साथ तेल भी कम है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। तो जैसे पैन गर्म हो जाए आप इस तरह से इसको डाल दें, जैसे डोसा डालते ना उसी तरह से डालना है, बट बहुत ज़्यादा इसको फैलाना नहीं है, बस इसी तरह से करना है। ये देखिए, और इसको होने दें आप, खुलाई होने देना है, यहाँ ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ऊपर का ड्राई हो जाए तब आपको इसको टर्न करना है, धीरे से आप टर्न कर लीजिए इसे। ये देखिए फ्लिप कर लिया है, और दूसरी साइड भी होने देंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़, बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है तो आप इस तरह से दे सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स चीज़, मैं बच्चों के लिए यहाँ बता रही हूँ आपको। और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे, या आप काले मिर्च भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और बस नीचे की साइड हो जाए तो आप इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी ये लगता है, एकदम सॉफ्ट बनता है फ्रेंड्स। चलिए दूसरी बार भी थोड़ा सा ही ब्रश करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि नॉनस्टिक है, बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है। और इसे आप जैसे हम डोसा डालते हैं ना उसी तरह से आप डाल दें और फटाफट से बना लें। देखिए कितना इंस्टेंट ये रेसिपी है और दिखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। कलर देख के ही बच्चे बोलते हैं दे दो हमें खाना है। और मेरे बच्चों ने तो ये फटफट फिनिश कर लिया, उनको तो बहुत पसंद आया। सुबह बनाइए, शाम के नाश्ते के लिए बनाइए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, पता भी नहीं चलेगा इसमें बीटरूट है, इसमें बीटरूट का टेस्ट ही नहीं पता चलेगा आपको। तो बहुत ही ये इंस्टेंट और अच्छी रेसिपी है, कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स अगली टिप देख लेते हैं। तो ये ब्रश को साफ करने को लेकर है, जो हम अभी यूज कर रहे थे ना, तो बस ये दिखता साफ है बट ये होता साफ नहीं है, अंदर पूरा ऑयल रहता है। जब भी हम धोते हैं, नॉर्मली धो देते हैं तो ऑयल सब चिपक जाता है। तो इसको साफ करने का पहला भी एक तरीका मैंने बताया था, आज मैं दूसरा तरीका लेके आई हूँ। गर्म पानी ले लेना है आपको और इसमें आपको डाल देना है फ्रेंड्स नमक।
तो मैंने आधा चम्मच के करीब यहाँ नमक डाल दिया है और लिक्विड सोप ले लेंगे, जो भी सोप आप यूज़ करते हो, या नहीं यूज़ करते तो आप कपड़े धोने वाला भी इसमें सर्फ डाल सकते हैं और इसको इसमें डिप कर दे। एक तो जब आप गर्म पानी लेते हैं फ्रेंड्स, तो ऑयल जो डिपॉजिट होते हैं ब्रश के अंदर वो निकल जाते हैं, साथ में कोई कचरा वगैरह अंदर फंसा हो, कोई कुकिंग के जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं वो अंदर फंसा हो तो वो भी निकल जाता है। तो इसी तरह से उसे रहने देंगे 10 से 15 मिनट। जब पानी ठंडा हो जाए तब आप देख लीजिए यहाँ कितना कुछ निकला है, एकदम साफ लग रहा था। ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये हमें दिखते नहीं है फ्रेंड्स बट ये होते हैं। तो इस तरह से आपको डीप क्लीनिंग करनी चाहिए अगर आप ब्रश रेगुलर यूज़ करते हैं, क्योंकि अंदर की साइड होता है, हम जब इसे साफ करते हैं तो बाहर की साइड ही करते हैं। तो इस तरह से आप 10 दिन में एक बार ज़रूर करिए। पानी का कलर देख सकते हैं आप, इसे नॉर्मल पानी में बाद में आपको इस तरह से वॉश कर लेना है। ये देखिए, इससे आपके ब्रश एकदम साफ रहते हैं और नए जैसे रहते हैं, बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं लगते, एकदम ऑयल फ्री बन जाते हैं। ये देखिए एकदम क्लीन हो चुका है ये एकदम अंदर से। तो कैसी लगी आपको ये टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली टिप आपको बहुत पसंद आएगी, तो रिक्वेस्टेड टिप है। तो एल्युमिनियम के बर्तन जो काले पड़ जाते हैं उसको कैसे साफ करें उसके लिए है। तो ये देखिए बीच में थोड़ा कालापन आ गया है, तो इसको साफ करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको क्या करना है, लेमन ले लेना है जो हमारे घर पे अवेलेबल होता है, तो इसको निचोड़ लेंगे और ये छिलका भी इसमें ही डाल दूंगी मैं फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ ले लूँगी फ्रेंड्स बेकिंग सोडा। जी हाँ फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा अगर बहुत ज़्यादा काला है, रिक्वेस्टेड टिप है, कई लोगों ने पूछा है उनकी कढ़ाई बहुत काली हो गई है, तो आप बेकिंग सोडा से साफ करके देखिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड्स आपको। लेमन को फॉक में डाल दिया है और इस तरह से घिस लूँगी मैं सब जगह, इसे अप्लाई कर लूँगी बेसिकली। ये देखिए इस तरह से, अगर आपका कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदा है तो ये आपको अप्लाई करके रख लेना है 10 से 15 मिनट या आधा घंटे के लिए, छोड़ दें, उसके बाद आप इसको फिर से साफ़ करें। बट मेरा इतना गंदा नहीं है तो मैं अभी ही आपको करके बता देती हूँ। तो इस तरह से अप्लाई कर लेना है, ये देख सकते हैं कितना यहाँ कालापन निकला है फ्रेंड्स, अभी तो मैंने घिसा भी नहीं है, जस्ट इसी तरह से अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ गर्म पानी ले लूँगी और इसे डाल दूँगी। ये देखिए, और गर्म पानी से भी एक बार पूरी जगह घिस लेना है आपको, या आपका बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप गैस पे ही रख के गर्म कर लीजिए, इसमें ही बॉईल लाइए। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेंड्स नमक। नमक डालने से एक तो ये स्क्रब कर लेता है बर्तन को और शाइन आ जाती है बर्तन में, और बैक्टीरिया फ्री हो जाता है हमारा बर्तन, तो नमक से भी आप कर सकते हैं साफ। तो इस तरह से अब मैं इसे वॉश कर लूँगी, तो देख सकते हैं आप रिजल्ट आपके सामने है, इसे पोंछ के भी बता देती हूँ। तो इस तरह से आप एल्युमिनियम बर्तन को साफ कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये बढ़िया से टिप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की अमेजिंग टिप्स, थी कि नहीं ये यूज़फुल, उसके लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। और कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई उसके लिए भी कमेंट करिएगा। और हाँ, आप मुझे कोई भी फीडबैक और सजेशन दे सकते हैं चैनल पे आप क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय।